guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's me, Anita Fresh, another day, another vlog. तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सहरी, तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, तो देखते हैं कि सहरी में क्या बनता है। तो अभी मैंने दुपट्टा शुपट्टा पहन लिया ताकि मैं थोड़ा महज़ब बनूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ सहरी अपने लिए और अपनी कज़न के लिए, क्योंकि हम दोनों ने रखना है रोज़ा। बाकी वो लस्ट हुए तो मैं अभी बनाती हूँ रोज़ा रखना है, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ सहरी। और सहरी में मैं क्या बनाती हूँ और हम क्या खाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। और मेरा स्कार्फ कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आटा गूँधने से पहले मैं गूँधती हूँ आटा। पहले हम गूँधते हैं आटा। आज वीडियो है मेरी सहरी रूटीन पे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी रूटीन, क्योंकि मैं सारे रोज़े रखे हैं और आज भी हमने रोज़ा रखना है। तो लेट्स डू इट। और मेरी दुपट्टा को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मुझे दुपट्टे का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन रमज़ान के एहतराम में मैंने सोचा कि मैं एक स्कार्फ नहीं लेकिन दुपट्टा ले लूँ। और अभी हम आटा गूँधते हैं, आटा गूँधने के बाद मिलते हैं। तो हमारी आज की जो ब्लॉग है वो सहरी रूटीन पे है, और चाय मैंने रख दी है, आटा भी मैं गूंदने लगी हूँ, तो वैसे साथ साथ आ रहे हैं। तो अभी आटा मैंने गूंद लिया है, तो अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं पराठे ताकि हम लेट ना हो जाए। और मैंने बनाने तकरीबन एक सादा रोटी अपने लिए बनाऊंगी और बाकी जो है ना तीन पराठे बनाऊंगी कज़न के लिए। चाय मैंने रख दी है और ऑयल निकाल दिया मैंने पराठा बनाने के लिए। तो पहले हम पेड़े बनाएंगे, और ये है हमारा ट्रेडिशनल बेला बेली जो भी है, तो आप देख सकते हैं हमारा टोटली डिफरेंट है। तो दुपट्टे को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों ने आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे हैं और आप लोग सहरी में क्या क्या ज़्यादा खाते हैं शौक से। मैं तो रोज़ सादा ही पराठा सादा ही रोटी खा के रोज़ सहरी रख रहती थी, रोज़ा रख रहती थी, लेकिन आज जो है ना मैं बनाने लगी हूँ पराठे। हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मुझे लगा था कि मुझे कोई आवाज़ दे रही है, मैं बाहर जा के देखा तो कोई है ही नहीं, कोई बहुत शायद आवाज़ है, नहीं तो मुझे लगा मुझे शायद मम्मा नहीं बुला रही है। जब तक ना जाए ना तो मेरा तो कोई रोटी बनता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट पराठा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी मैं जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, और ये डबल पराठा है। इसके पहले मैंने अंदर जो है ना ऑयल लगाया, फिर मैंने उसका साइड पे रखा, फिर मैंने उसको दोबारा से ऑयल लगाया। तभी मैं बाकी सारे बना के फिर मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पराठा जो है ना सारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी ऑमलेट, और इसके बाद फिर हम फ्रूट्स काटेंगे। तो ये है हमारी आखिरी पराठा। मैंने सोचा था ये थोड़ा अच्छा बनेगा, लेकिन ये भी जल गया वीडियो के चक्कर में ना, ये भी जल जाते। खैर जैसे भी बनते टेस्ट होना चाहिए, बाकी जलने से क्या होता है। इसकी जली हुई शक्ल पे ना जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह।
उम्मीद की दुनिया कायम है। तो खैर जब भाई बंदा अकेला वीडियो बना रहा हो, उसके साथ कोई वीडियो बनाने वाला ना हो, तो फिर यही होता है, चल फरीजी ही बनता है। कुदरत तो ये अभी हमारा तैयार हो चुका है, मेरे सारे पराठे बन चुके हैं, ये हो गया, बाकी पराठे यहाँ पे हैं, ये तैयार हो चुके हैं। तो अभी हमने ऑमलेट बनाना है और चाय भी हमारी पक रही है कब से, इसमें दूध डालना है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मैं ऑमलेट के लिए जो है ना प्याज और टमाटर काटने लगी हूँ, तो जल्दी जल्दी काटेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेट उठ गई थी क्योंकि थोड़ा जल्दी बनाना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी जल्दी जल्दी ऑमलेट के लिए प्याज काट देते हैं और उसके बाद जो है इसको बनाते हैं, अभी टमाटर को भी काट देते हैं साथ साथ। जल्दी जल्दी में मैंने पराठे बनाए, थोड़े से जल गए कुछ है ना, वो पक गए, पता नहीं जैसे भी होगी, बस जल्दी जल्दी में सब बना लिए। तो अभी हम ऑमलेट बनाएंगे, ऑमलेट भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये प्याज वगैरह हमारे कट चुकी है, देख सकते हैं मैंने जल्दी जल्दी में एक ऑमलेट बना ली, पराठे भी हमारे बन चुके हैं, फ्रूट काट दिए हैं और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ऑमलेट। बनाऊंगी ऑमलेट नहीं बनाऊंगी अपने लिए, सादा सा मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए अंडा, और अंडे के साथ मैं कुछ आलू ऐड करूंगी क्योंकि मुझे प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने लिए पका के फिर दस्तरखान लगाती हूँ। तो पहले मैं ऐड करूंगी थोड़े से आलू, आलू के चिप्स बना के पहले ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से उसमें अलग अलग कर देंगे। और मुझे लग रहा है तेल बहुत ज़्यादा, पहले आलू जब पक जाएगी तो मैं आधे तेल वहाँ से निकाल लूँगी। मुझे आलू के साथ जो है ना अंडा पसंद है, और मुझे प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद, और टमाटर तो उससे भी ज़्यादा जहर लगती है, तो इसलिए अभी मैं ये बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ क्योंकि आज़ान होने वाली है। तो मैं फ़िलहाल अपना वाला जो अंडा है उसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं जाने की सारी सहरी करूँगी ताकि टाइम बचे मुझे पानी भी पीना है। देख सकते हैं मेरी चाय भी ज़ाया हो गई और मेरा जो आलू वाला अंडा था वो भी रह गया, और हम लोग सही से ना सहरी नहीं कर सके क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैंने चाय भी नहीं पी और जल्दी जल्दी से पानी पी, और जल्दी का काम जो है ना वो शैतान को होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। जल्दी जल्दी में मैंने रोटी बनाई, जल्दी जल्दी में मैंने अंडे वगैरह बनाया, लेकिन कोई भी काम सही से नहीं हो सका। एक तो मेरे पराठे भी जल गए, वो तो पता है, जाहिर सी बात है अगर अनीता कोई काम करे उसमें कोई चीज़ जले ना तो वो काम पूरी ही नहीं होती। टाइम बहुत कम था, मैंने 3 बजे से बनाना स्टार्ट किया था लेकिन फिर भी लेट हो गई, तो खैर कोई बात नहीं, बस अभी देखते हैं कि हमारा रोज़ा कैसे गुजरता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारी जो सहरी रूटीन है वो बस इतनी सी होती है, वैसे तो रेगुलरली मैं सिर्फ चाय पीती हूँ या फिर कभी कभी अगर चावल बने हो तो चावल खा लेती हूँ, अगर ना बने हो तो फिर मैं जो है ना अपने लिए सिर्फ एक रोटी बनाती हूँ, या फिर तो कभी कभी तो मैं कुछ खा के मतलब बग़ैर कुछ खाए मैं जो है ना रोज़ा रख लेती हूँ, बस पानी पीती हूँ या फिर चाय पी के मैं बस रोज़ा रख लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए अंडा बनाऊँगी और पूरा जो है ना हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह काटे, ना मैं फ्रूट खा सकी, ना मैं जो है ना पराठे सही से खा सकी, बस मैंने एक दो मेरी ये थी मेरी छोटी सी सहरी रूटीन, तो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप मेरी वीडियो पर आ ही गए हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख सकते हैं ये मैंने किचन की हालत कर दी है, अभी मैंने इसको सारा साफ़ करना है और साफ़ करके फिर मिलती हूँ। अब ये देखें,